नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस ग्रह की उपासना करके आप मन चाह वरदान हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, 12 की 12 राशियां हैं और हर राशि के लिए एक ग्रह है बेहद खास। अगर उस ग्रह की आप उपासना करेंगे और पंडित जी के बताए तरीके से करेंगे तो आपको ज़रूर मनचाही मुराद हासिल होगी, मनचाहा वरदान मिलेगा। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुडलक मंत्र से। देखिए, कभी भी खराब या टूटी हुई चूड़ियां महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, ना ही टूटी हुई और ख़राब चूड़ियां अपने घर में रखनी चाहिए। अगर आप ख़राब और टूटी चूड़ियां पहनेंगी या अपने घर में रखेंगी तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होगी, दिक्कत पैदा होगी। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 15 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, इसके बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। दिनांक 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 10:30 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः काल 8:10 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:44 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम राशि अनुसार ये चर्चा करने वाले हैं कि किस राशि के लिए कौन से ग्रह की उपासना करना बेहद शुभ फलदायी है। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों से और जानते हैं कि आपको किन ग्रहों की करनी चाहिए पूजा। पंडित जी, जी देखिए, आपकी कुंडली के लिए कोई ना कोई ऐसा ग्रह है जिसकी अगर आप उपासना करें तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। सिर्फ एक ही ग्रह है जिसकी आपको निरंतर पूजा करनी है, जीवन में सफलता मिलना आपके लिए आसान हो जाएगा। बात अगर मेष राशि की करें तो मेष राशि के लिए सूर्य देव की उपासना करना हमेशा उत्तम होगा। और अगर मेष राशि के लोग सूर्य ग्रह की पूजा करें तो इनको स्वास्थ्य की समस्या और धन की समस्या कभी नहीं होगी। और इनको रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप 108 बार करना चाहिए, और सूर्य का वो विशेष मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार अगर आप जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ राशि, आपके लिए हमेशा शनि ग्रह की उपासना अच्छी होगी। और अगर आप नियमित रूप से शनि ग्रह की पूजा करें तो रोजगार की और धन की समस्या आपको कभी नहीं होगी। तरीका क्या होगा? रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करिएगा, शनि देव का मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र को रोज शाम को 108 बार पढ़िएगा, आपको लाभ ही लाभ अवश्य होगा। मिथुन राशि,
आपके लिए शुक्र ग्रह की उपासना करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इससे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और आपको आर्थिक लाभ होगा, फाइनेंशियल फायदा होगा। और शुक्र के मंत्र का जप करेंगे भोर के समय में या रात्रि के समय में, और मंत्र होगा शुक्र का ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप आप नियमित रूप से करें। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है तो निश्चित रूप से आपका जीवन रास्ते पर चलता रहेगा। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में हमने जाना कि आपको राशि अनुसार किस ग्रह की करनी चाहिए उपासना। बाकी राशियों की हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की भी शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले इन्हीं तीन राशियों का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, नौकरी के मामले में आपके सुधार होता इस समय दिख रहा है। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है और इस समय आपके लिए यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के विवाद इस समय हो सकते हैं। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशिफल के बारे में भी हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से हम जानते हैं राशि के मुताबिक आपको किस ग्रह की करनी चाहिए पूजा ताकि आपको फायदा हो, लाभ हो। तीन राशियों की चर्चा हमने कर ली है, अब बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की और जानते हैं किसकी उपासना आपके लिए फलदायी है। देखिए, अगर कर्क राशि की बात करें तो मंगल ग्रह की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। आप नियमित रूप से मंगल ग्रह की उपासना करें। इससे आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा। करियर के मामले में आपकी उन्नति होगी। दोपहर के समय या प्रातः काल के समय मंगल के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जप आपको करने से लाभ होगा। सिंह राशि, आपके लिए बृहस्पति ग्रह की उपासना सबसे ज्यादा बेहतर है और आपको नियमित रूप से बृहस्पति ग्रह की उपासना करनी चाहिए।
इससे मन के मामले में और एकाग्रता के मामले में आपको लाभ होगा। रोज प्रातः बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा और बृहस्पति देव का मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करें, बृहस्पति ग्रह की पूजा करें, आपके लिए शुभ होगा। कन्या राशि, आपके लिए बुध ग्रह की उपासना करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा और अगर आप बुध ग्रह की उपासना करेंगे तो आपको पारिवारिक शांति मिलेगी और आर्थिक उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी। रोज सुबह के समय बुध के मंत्र का जप आपको करना चाहिए और बुध ग्रह का जो बेसिक मंत्र है वो है ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का आप नियमित जप करते रहिएगा, चाहे कोई और मंत्र पढ़ते हो या ना पढ़ते हो। मात्र बुध ग्रह की उपासना करने से आपके जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले किस ग्रह की कर सकते हैं उपासना, किस तरीके से करें उपासना ताकि उनको लाभ हो, ये हमने जाना है। अब इनका दैनिक राशिफल भी जान लेते हैं, फिर बात करेंगे बाकी राशियों की। कर्क राशि, नौकरी में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कोई पुरानी इच्छा जो करियर की है वो इस समय पूरी होगी और स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, सहयोगियों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, संतान पक्ष में समस्या आ सकती है। हालांकि अचानक धन का लाभ भी देर शाम को आपको हो सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का हम रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अमृता जी ने लिखा है और अमृता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1978 जन्म का समय शाम के 5:10 और जन्म का स्थान है नासिक, महाराष्ट्र।
अमृता जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समयों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, मानसिक रूप से भी मेरा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा मन बेहतर हो सके। अमृता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका समय लगभग 2023 के जनवरी से ही बेहतर नहीं है और ये समय नकारात्मक दिखाई दे रहा है मई 2024 तक। मई 2024 के पश्चात आपके स्वास्थ्य की स्थिति में, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होने की संभावना बनती है। फिलहाल आप दो उपाय करें जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा पानी प्लेन वाटर, और एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः अगर आप पीला पुखराज पहनती हैं तो इससे आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले एक बार आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल हमारे पास कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का दूसरा प्रश्न हमें अमर आनंद जी ने लिखा है और अमर आनंद जी हमें नोएडा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1984। जन्म का समय दोपहर में 2:05 और जन्म का स्थान है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। अमर जी कह रहे हैं कि नौकरी में बहुत समस्याएं चल रही हैं, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, तो क्या ये मेरे नौकरी छोड़ने का सही समय होगा, और अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो क्या आगे मुझे बेहतर करियर में सफलता मिलेगी? अमर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये समय आपकी नौकरी में परिवर्तन का अवश्य है और ज्योतिष के हिसाब से जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में आपकी नौकरी में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन बहुत सोच समझ कर करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, केवल पैसा मत देखिएगा, अपने मन की शांति और सहूलियत का भी ध्यान रखिएगा। आपका करियर बदले, बेहतर रास्ते पर चले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर वापस आते हैं। तो आज हम आपको राशि के मुताबिक बता रहे हैं कि आखिर आप किस ग्रह की उपासना कर सकते हैं ताकि आपकी हर तरह की मुराद हो पूरी। 6 राशियों की हमने चर्चा की है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। जानते हैं कि किन ग्रहों की पूजा आपको करनी चाहिए और इससे आपको किस तरह के लाभ होंगे। पंडित जी, तुला राशि की बात करें तो इस राशि के लिए शनि ग्रह की पूजा करना सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। तुला का मतलब ही शनि है, उसका प्राण केंद्र शनि है, तो तुला राशि के लोग अगर शनि ग्रह की पूजा करें तो लाभ होगा और ऐसा करने से उनके करियर में और जीवन में स्थायित्व, स्टेबिलिटी आ सकेगी। तरीका ये है कि रोज शाम को शनि मंत्र का जप आप हमेशा करते रहिएगा और इसके लिए मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र तुला राशि के लोग अगर रोज शाम को जपें तो उनके लिए बहुत शुभ होगा।
वृश्चिक राशि, इनके लिए चंद्र ग्रह की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। और अगर ये चंद्र ग्रह की पूजा करें तो इससे इनका स्वास्थ्य और इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। क्या तरीका होगा? रात के समय लगभग 8-9 बजे के बाद आप चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा, और चंद्रमा का मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का रोज रात को अगर आप जप करेंगे तो आपके सितारे बेहतर होंगे। धनु राशि, सूर्य ग्रह की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप नियमित रूप से सूर्य ग्रह की उपासना करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, और संतान पक्ष की कोई समस्या आपको नहीं होगी। तरीका यह है कि प्रातः काल या दोपहर के समय में सूर्य ग्रह के मंत्र का एक माला आपको जप करना चाहिए, और वो मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र रोज सुबह या रोज दोपहर में पढ़ेंगे धनु राशि के लोग, उनके जीवन में उनका कल्याण अवश्य होगा। तो हमने बात की तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। एक बार फिर से इन्हीं तीनों राशियों की चर्चा करते हुए इनके दैनिक राशिफल को जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन की दशा में सुधार होगा, लेकिन अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होने के योग हैं, संपत्ति संबंधी मामले आपके हल होंगे, नौकरी में कोई छोटा मोटा परिवर्तन इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, दूर स्थान से कोई शुभ समाचार मिलेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर में कोई विशेष फायदा, कोई विशेष लाभ इस समय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की चर्चा करते हैं। इनका हम दैनिक राशिफल जाने, उसके पहले जान लेते हैं कि किन ग्रहों की आप पूजा करने से लाभ हासिल कर सकते हैं। पंडित जी, मकर राशि की बात करें तो शुक्र ग्रह की उपासना आपके लिए सबसे ज्यादा मंगलकारी होगी। और अगर आप शुक्र ग्रह की उपासना करते हैं तो आपको आर्थिक और मानसिक रूप से लाभ जरूर होगा।
भोर के समय में या रात के समय में शुक्र के मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप रोज जप करिएगा। अगर आपकी राशि मकर है, निश्चित रूप से आपको जीवन में विशेष लाभ होगा। कुंभ राशि, बुध ग्रह की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए शुभ होगा, और बुध ग्रह की उपासना करने से आपकी मानसिक और शारीरिक समस्याएं कम होंगी। तरीका क्या है? प्रातः काल के समय बुध के मंत्र का जप आपको करना चाहिए, और इसके लिए मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का जप कुंभ राशि के लोग नियमित रूप से करेंगे, उनका कल्याण होगा। मीन राशि, चंद्र ग्रह की या चंद्र देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए शुभ होगा। चंद्र ग्रह की उपासना करने से आपका स्वभाव बेहतर होगा, और विवाह की जो तमाम समस्याएं हैं, ये समस्याएं आपकी हल होंगी। तरीका ये होगा कि रात के समय में लगभग 8-9 बजे के बाद, चंद्रमा निकलने के बाद, चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का रोज रात को आप जप करिएगा। चंद्र ग्रह आपका सबल होगा और जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। तो हमने 12 राशियों की चर्चा कर ली और जान लिया कि किन ग्रहों की उपासना से आपकी जिंदगी में सुधार आएगा, आपको लाभ होगा। अब मकर, कुंभ और मीन राशि की एक बार फिर से चर्चा करते हैं और इनका राशिफल क्या है ये भी जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, हड्डियों की समस्या इस समय थोड़ा परेशान कर सकती है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। हालांकि शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में अगला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी,
अगला प्रश्न हमें सविता जी ने लिखा है और सविता जी हमें भोपाल से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जुलाई 1992। जन्म का समय है रात में 11:45 और जन्म का स्थान है भोपाल। सविता जी कह रही हैं कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पाया है और एक बार विवाह तय होकर मेरा ब्रेक हो चुका है, तो आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सविता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई देता है। जब भी विवाह करिएगा एक बार कुंडली मिला लीजिएगा। वैसे ज्योतिष के हिसाब से 2024 में जुलाई से लेकर के दिसंबर का जो समय है, इस समय में आपके विवाह होने की संभावना बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक ओपल बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। और फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, किसी समस्या में हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी, कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें देवेंद्र जी ने लिखा है और देवेंद्र जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अगस्त 1970। जन्म का समय 11:00 और जन्म का स्थान है समस्तीपुर, बिहार। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं अभी सरकारी नौकरी करता हूं और अपना मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहता हूँ। उसके लिए काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा मनचाहा स्थान परिवर्तन कब होगा और मेरी नौकरी की स्थिति आगे कैसी रहेगी। देवेंद्र जी, आपकी कुंडली में नौकरी में परिवर्तन का समय 2024 के अंत में बनता है और ये परिवर्तन आपका मनचाहा परिवर्तन होगा। आपका मनचाहा परिवर्तन वर्ष 2024 के अंत में होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह शाम एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी, आज हमने राशि अनुसार चर्चा की है कि कौन सी राशि वाले किस ग्रह की उपासना करें, लेकिन जिन्हें अपने राशि को लेकर जानकारी ना हो, तो क्या ऐसा कोई खास ग्रह भी है जिसकी उपासना अगर करें तो हर तरह की मनोकामना पूरी हो हर राशि वाले की? जी देखिए, ज्योतिष जगत का भी और आपके जीवन का भी जो प्राण है वो सूर्य है। आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, अगर आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ज़्यादा नहीं, सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या तो हनुमान चालीसा पढ़ लें या गायत्री मंत्र 9 बार बोल लें, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा नियमित रूप से करे तो ग्रहों का अनुग्रह उसे अवश्य प्राप्त होगा। ग्रहों की कृपा उसे अवश्य मिलेगी, क्योंकि सारे ग्रह जो आपके ऊपर कृपा करते हैं वो करते हैं दरअसल सूर्य के माध्यम से।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 15 दिसंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि उनका प्रेडिक्शन क्या कहता है आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 15 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में आपके स्थिरता आएगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। संपत्ति के मामले में इस साल में भी थोड़ा विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान गणेश की आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात जिज्ञासा की करते हैं। पंडित जी, शुक्रवार को लेकर कई लोग कहते हैं कि इस दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, मां संतोषी से भी इसे कुछ लोग जोड़ते हैं, क्या है सच? देखिए, जैसा आपने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं ऐसे लोग शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते। लेकिन संतोषी माता कोई शास्त्रोक्त देवी नहीं है, लोकाचार की देवी हैं, इसलिए ऐसी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर कुंडली में शुक्र गड़बड़ है तो शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए। हालांकि देवी के साथ मत जोड़िए इसको, क्योंकि संतोषी माता शास्त्रोक्त देवी नहीं है, लेकिन आपका शुक्र अगर गड़बड़ है तब आपको खट्टा खाने से बचना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शुभ पहर की। तो 15 दिसंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? शुभ पहर दिनांक 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार का क्या होगा? शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं, आपकी आर्थिक बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 15 दिसंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की कर लेते हैं, जो कि है कर्क राशि। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी हमें क्या जानकारी दे रहे हैं? हम आपको अलग अलग राशियों के पढ़ने की आदत बता रहे हैं, रीडिंग हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन समय के अभाव की वजह से और जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ने की वजह से ये पढ़ नहीं पाते। हालांकि पढ़ते बहुत अच्छा हैं, मेमोरी बहुत अच्छी होती है और फिक्शन पढ़ने में, क्रिएटिविटी पढ़ने में ये लाजवाब होते हैं। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आप सबके लिए आज पंडित जी क्या लेकर आए हैं समझते हैं। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार आपकी नौकरी छूट रही है, बार बार बदलनी पड़ रही है, एक साल डेढ़ साल से ज़्यादा कहीं टिक करके काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके चरणों का सिंदूर लाइए, एक छोटे से सफ़ेद कागज़ पर उस सिंदूर से एक स्वस्तिक बना लीजिए और इसके बाद इस कागज को अपने पर्स में या अपने काम करने की जगह पर अपने पास में रखिए। आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा जीएनटी।